जेनिथ वाटरफॉल था और किपी वाटरफॉल था, ये दो वाटरफॉल करने का आज का प्लान था। बट सीन ऐसे हुआ, जो मेन रास्ता है जहाँ से लोग सारे लोग जाते वो रास्ता क्लोज था, क्योंकि आज हेवी मानसून की वजह से हाई अलर्ट पे रखा है और उधर भी जाने नहीं दे रहे। अगर आप लोनावाला के साइड आते हो तो आपको पता ही रहेगा, एक मंकी पॉइंट लगता है, फिर टाइगर पॉइंट लगता है, तो मंकी पॉइंट से ये रास्ता आता है। बट मैं रिकमेंड करूंगा ये रास्ते से ना आओ, अगर आते हो तो अपने रिस्क पे आओ, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा रिस्की है। इस पर ट्रैकिंग कम है, बट ये ट्रैक पे से चलना है, मतलब लैव ट्रेन का ट्रैक है जहाँ से बहुत सारी ट्रेन जाती है। अभी भी हम लोग साइड से आए तो बहुत सारी ट्रेन गई यहाँ से, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा ये रास्ते से आओ, बट अभी वो रास्ता क्लोज था इसके लिए हम लोग ने ये रूट लिया। ये जो रोड जाता है ना आगे आगे जाके फिर कट जाता है, और इसकी वजह से हम लोग ने बाइक अभी पीछे ही लगा रहे, और यहाँ से थोड़ा ट्रैक पे से रिस्क लेके जाना पड़ेगा। ऑफलाइन मैप मैंने डाउनलोड करके रखा है, थैंक गॉड, उसके वजह से थोड़ा बहुत नेटवर्क तो है ही नहीं, तो थोड़ा बहुत हमें समझ रहा है कि कहाँ से कहाँ जाना है। तो अभी नहीं इधर भी घुस रहा है भाई, अभी नहीं समझ आ रहा किसी को, वैसे सच्ची में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा फॉग है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ चल रहा है हम लोग को, तो बहुत ही रिस्की टाइप है। ये जो ट्रैक जाता है ना ये दूसरी तरफ जाता है, और ये जो जा रहा है वो ट्रैक को हम लोग को फॉलो करना है, जो टनल के अंदर से वाटरफॉल तक जाएगा, केपी वाटरफॉल तक। और प्रॉब्लम ये है फॉग इतना है ना, अभी ये जो वर्कर है रेलवे के उन्होंने बताया हम लोग को ऐसा कि पीछे देखते रहना है हम लोग को हर दो दो मिनट में, और दो मिनट भी नहीं, अगर आवाज़ आया तो हम लोग को अलर्ट रहना है, पीछे से गाड़ी कभी भी आ सकती है, क्योंकि फॉग है कुछ दिखता भी नहीं है, और नज़दीक आने के बाद ट्रेन दिखता है। तो हॉर्न बजाया ट्रेन ने तो ठीक है, नहीं बजाया तो खलास। आ गया वाटरफॉल, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यहाँ से जाना है हमको। यहाँ पे टनल दिख रहा है, ये वाला इतना बड़ा टनल है ना गाइस, मैं कसम से बोल रहा हूँ, अंदर लाइट दिख रहे है ना तुझे? ठीक है लाइट है तो अच्छा है, एटलीस्ट हमें पूरा अंधेरे से नहीं जाना पड़ेगा। अब ये टनल बहुत लंबा है, टनल नंबर 42 ये टनल नंबर है इसका, और ये टनल फिर निकलेगा केपी वाटरफॉल की तरफ। अभी यहाँ से एटलीस्ट हमें आधा घंटा तो लगेगा टनल से बाहर निकलने के लिए। इसके अंदर मुझे नहीं लगता है फुटेज आने वाली है, क्योंकि गोप्रो इतना सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि लो लाइट में बहुत ख़राब काम करता है, तो मिनिमम जो भी कितना फुटेज आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। टनल में इनफ जगह है कि नहीं ये देखना है, अगर ट्रेन आती है तो टनल में हम लोग कहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं ये चेक करना है। तो चल भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा है आदमी, और इसको एडजस्ट करना मतलब इस टनल में बहुत मुश्किल होने वाला है। ये टनल है ना एटलीस्ट 1-1.5 किलोमीटर का रहेगा, अभी तो अपन ने 100-200 मीटर किया रहेगा। क्या अरे बाप रे भाई, एक्चुअली है ना यहाँ पे अंधेरा है फुल, ये जो लाइट्स है उसके नीचे मैं खड़ा था अभी बात करने के लिए, आगे फुल अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं देता, और अभी तक ट्रेन नहीं है, अच्छी बात है। फाइनली इतने टाइम के बाद, इतना चलने के बाद टनल की ओपनिंग दिखी, अभी कुछ अच्छी लाइट मिल रही है। फाइनली ये टनल से हम लोग फाइनली बाहर आ गए, अभी बाहर आते आते ही हमें क्या दर्शन हो रहा है, दिखाओ आपको क्या दर्शन हो रहा है। क्या सीन है, एक नंबर सीन से यार। फॉग के वजह से दिख रहा नहीं था हमें सीन, पर अभी देखो
भाई गाइस अंडा खा रहा हूँ, खोल नहीं पा रहा हूँ। फाइनली जिसके लिए आए थे यहाँ पे, उस रोड पे हम लोग चल रहे हैं, रोड नहीं ट्रैक में। तो यहाँ से आप राइट साइड में देख सकते हो, ये वाला लोकेशन मैं आपको बता रहा था, और शायद से मुझे ध्यान से चलना पड़ेगा वरना नीचे जा सकते हैं। कहाँ से? अरे हाँ, अरे यहाँ से चलते जाए, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जाने वाला है, यहाँ पे चलने के लिए बना है, और ये 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 लोकेशन पे जाना है। खुशी देख रहे हो चेहरे पे, खुशी देखो वॉटरफॉल्स देख के। आपको एक चीज़ बता रहा था, ये जो वाटरफॉल गिर रहा है ना, यहाँ पे स्टेयरकेस भी है ऐसे, तो अगर यहाँ से आप अगर जाओगे तो स्टेयर उतर के नीचे वाटरफॉल की तरफ भी जा सकते हैं, बट इतना पानी नहीं है इसके लिए जाने का सोच नहीं रहे हम लोग। और नीचे देखोगे तो ये है ना, मेरे शूज़ नहीं, ये जो है ना बहुत नीचे है, मतलब अगर कोई पतला इंसान है ना वो भाई नीचे जा सकता है, क्योंकि देखो ये ऐसा। तो अभी अपन उधर जाते हैं, मेन जो जिसके लिए आए हैं वो तो हम लोग तब से वेट ही कर रहे हैं, उधर जाएंगे उधर जाएंगे, बट रास्ते में इतने सारे स्पॉट्स मिल रहे हैं ना कि भाई इधर फोटो निकालो उधर रील निकालो, यही चल रहा है। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं उस साइड, बट उसके पहले एक ट्रेन आ रही है। देख रहे हैं आपको केव छोटा सा, वहाँ पे जा रहे हैं, तो लेट्स गो। ये यहाँ से रास्ता है ऐसे जो करुण जा रहा है, वहाँ से अंदर जाके अंदर होके फिर ये वाटरफॉल के पीछे जाएंगे अपन। और ये देखो कितना हाइट से गिर रहा है, लेट्स गो। ये पहुँच भी गया उधर, और अभी जस्ट ट्रेन गई उधर से, और मोस्टली ट्रेन यहाँ से यहाँ ट्रैवल करती है। तो ये क्रॉस कर दिया, यहाँ से अभी अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे देखो सीन ऐसा है ना कि ये अभी गीला मिट्टी नहीं है, बट जिस दिन बारिश जोर से आई गीला हो गया तो ये स्लिप हो सकता है, और अगर स्लिप हो गया ना तो डायरेक्ट नीचे। और ये देखो वाटरफॉल, और ये ऐसे कुछ केव है, ये केव में जा रहे थे हम लोग। और हाँ, यहाँ पे जगह जगह पे खाना भी बनाया।
मैंने बहुत सारे रील में देखा था कि लोग ऐसे खड़े हैं और ट्रेन जा रही है पीछे से यही वाटरफॉल पे, तो वही एक्सपीरियंस करने मिला। जैसी एक ट्रेन, मैंने एक्सपेक्टेशन रखा था वंदे भारत आएगी, बट आ गई मालगाड़ी, ठीक है, पर कोई नहीं, मज़ा आ गया। और ये लोकेशन कुछ अभी मेरे पीछे वाटरफॉल ऊपर से गिर रहा है मेकेओ के अंदर। इस जगह से हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ से अभी वापस यहाँ से ही जाएंगे टनल के अंदर से। बाकी आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन कोई भीड़ नहीं है, तो इसके लिए मैं हूँ और ये करुण है और फिर ये सब खाली है। तो वीकेंड पे आओगे तो शायद से इधर भीड़ मिल सकता है, भीड़ मतलब ज़्यादा लोग तो आते ही नहीं है, ज़्यादा करके लोग जेनिथ पे जाते हैं, जो कि नीचे इसके पास में जेनिथ वाटरफॉल है, वो बहुत फेमस है। अगर आप केपी वाटरफॉल के लिए आ रहे हो तो ये मेरा वाला रूट मत लेना, क्योंकि ये रिस्क भरा रूट है, बहुत सारी ट्रेन आती है और आवाज़ नहीं आता है पीछे से, ध्यान रखना पड़ता है बहुत। तो ये है, तो आप प्रॉपर ट्रैकिंग के रूट से ही आज बंद रखा है, क्योंकि बहुत सारा बारिश गिर रहा है और मुंबई में भी हाई अलर्ट है, तो इसके वजह से आज बैन कर दिया था एंट्री वहाँ से, इसलिए मैं यहाँ से ट्राई किया। और बाय बाय। व्लॉग आपको यहाँ तक पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारे बटन आपको नीचे मिल जाएंगे, और मिलता हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, गुड बाय।